हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सिंपल सा लंच शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कुकर में मैंने तेल लिया है, उसमें जीरा डालेंगे, लहसुन डाला है और मिर्च कट करके डाल दिए हैं, प्याज भी डाल दिए हैं बारीक कटे हुए। अच्छे से भून लेना है, उसके बाद हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। फिर मैंने अरहर की दाल है उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, 10 मिनट के लिए साइड भिगो के रख दिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी भूनना है। फिर हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद पानी डालेंगे, जितना सफिशियंट आपको, जितना आपको गाढ़ा चाहिए दाल उतना रखिए। पानी डाल के साइड में हम इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने भरवा करेले की तैयारी कर रहे हैं, तो करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था नमक के पानी से, फिर उसके बाद हमने साइड्स कट कर ली थी। फिर इस तरह से हम इसके छिलके को छील लेंगे, छिलके फेंकने नहीं है क्योंकि हम उसको भी स्टफ करेंगे, बीच में से करेला कट करेंगे और सारे सीड्स को हम बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें हमको सॉल्ट रब करना है दोनों चीज़ों में और साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा जूस निकल जाए, कड़वा पन निकल जाए। फिर हम यहाँ पर राइस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो राइस भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए थे पकने के लिए, दाल हमारी पक चुकी है, राइस भी रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पर हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे करेलों की, तो एक पैन में तेल लिया है, उसमें जीरा डालेंगे और ये जो हमारे करेले के छिलके थे इसको वॉश कर लिया है मैंने और फिर इसको भी डाल देंगे। 2 से 3 लहसुन की कलियाँ हैं उनको भी कूट करके मैंने डाल दिया था, 2 बड़े साइज के प्याज थे उनको बारीक मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में, उसको भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे ताकि हमारे प्याज जल्दी से पक जाए। फिर यहाँ पर हम करेले भी स्टीम कर लेंगे, 10 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है या फिर 70% आपके करेले कुक हो जाए उतना स्टीम करना है। फिर यहाँ पर हम स्टफिंग पे आते हैं, प्याज हमारा पक गया है, उसमें हम अचार डालेंगे, एक आम का अचार डाला है मैंने, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये जो मसाला मैंने डाला है ये अचार का ही मसाला मैं बना के रखती हूँ ताकि भरवा करेला बैंगन में डाल सकें, और थोड़ा सा छोला मसाला ऐड किया है, थोड़ा पानी डाल देंगे और ये अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी है, साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम रायते पे आते हैं, धनिया हम लेंगे, जितना धनिया लिया है उसका 1/3 हमें पुदीना लेना है, 2 हरी मिर्च ली है अच्छे से पीस लिया है और इसमें दही फेंट करके हमने वो सारा मसाला इसमें डाल दिया, काला नमक डाला और यहाँ पर हमने ग्रेट किया हुआ खीरा डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रायता भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम करेले हमारे ठंडे हो गए हैं, ये जब ठंडे हो जाएँ उसके बाद ही आप स्टफ़ करिएगा। यहाँ पर मैंने सारे मसाले को अच्छे से दबा दबा के स्टफ़ किया है और ये हमारे करेले रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रा भी कड़वापन नहीं लगेगा करेले का। सारे स्टफ़ हो जाएं, फिर कढ़ाई में तेल लेंगे और इसके बाद ये जो हमारे करेले हैं इनको भी डाल देंगे। अलटते पलटते हमें धीमी आंच में सेकना है। चावल हमारे देखिए यहाँ पर बनकर के तैयार हैं, दाल भी हमारी बनकर के तैयार है और बस हमारे करेले रायता भी रेडी ही है और कढ़ाई में हमारे बस करेले भुन रहे हैं। इसको धीमी आंच में पकाना है, 10 से 12 मिनट लगेगा इसको पकने में। जब पक जाए तो कुछ इस तरह के हमारे करेले हो जाएंगे। ये आपका भरवा करेला भी रेडी हो गया है। अब हम अपनी प्लेट लगाते हैं। प्लेट ली है मैंने यहाँ पर, उसमें चावल लिया है, दाल रखेंगे, जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं वो रायता भरवा करेला। यहाँ पर मैंने बाजरे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लिया था, वो रोटी बनाई है, थोड़ा घी डालेंगे जितना आप खाना चाहते हैं और ये देखिए हमारे भरवा करेले दाल रायता चावल सब बन के रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट बना था और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।